तो तुम्हें आई थिंक टूटना जरूरी था कुछ सीखने के लिए। और ऐसा नहीं था कि उसने मेरे साथ बिल्कुल मतलब बुराई, अच्छा भी किया है। अच्छा क्या क्या है? लाइक मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है। ओके। बट मैं बहुत मेंटली, इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि शादी के बाद मेरी दावतें होती थी और मैं जाती थी, मेरा 10 kg वेट गिर गया था फॉरन से। लाइक मैं उस टाइम मेरा वेट 65, 63 क्या है, तो बस अपने अंदर ही अंदर ना बहुत। तो घर पर क्यों नहीं शेयर करती थी? बस वैसे ही मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं मतलब रोजाना अपने मतलब उसकी बात अपने घर पर रहती थी या उन्होंने आपके लिए नहीं सेपरेट रहती थी। ओके, सेपरेट। तो लाइक मेरी मामा मुझे देख के समझ जाती थी कि नहीं कुछ है उनको, मतलब वो समझ जाती थी कि नहीं ये खुश नहीं है। फिर तो वो आपके साथ रहते थे या सिर्फ मिलने आते थे और चले जाते? नहीं नहीं, साथ रहते थे। फिर ये हो गया था कि वो 2 दिन वहाँ पर और 2 दिन यहाँ पर, इस तरह से। ओके। हाँ, बट फिर जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तो उस टाइम तो हमारा बहुत मतलब बहुत लड़ाइयाँ और लगे। वाइल्ड प्रेगनेंसी तो एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बट वो नहीं चाहता था, कदर नहीं है, और वो ही चाहता था। बल्कि मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं इतनी जल्दी जो है वो कंसीव करूँ। ओके। लेकिन उसने मेरा दिमाग खा लिया था और कि नहीं लाइक आई वांट बेबी और इस तरह से। तो मुझे नहीं पता उसने क्या सोच कर ये सब किया या जो भी है। उसको लग रहा था कि शायद बेबी हो जाएगा तो मैं बहुत बाउंड हो जाऊंगी, ये कुछ भी करेगा मैं जा नहीं सकूंगी, मैं खुद से स्टेप नहीं लूंगी। बट ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे ख्याल से अगर आप खुद स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। ओके। तो माशाल्लाह व्हेन यू हैड योर बेबी कुछ चेंज नहीं आया उसके अंदर? नहीं, मैं आपको बता रही ना, पूरी प्रेगनेंसी में अपनी मामा के यहाँ थी, मेरे हर मंथ डॉक्टर के चेकअप, हर चीज़, इवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने उस बंदे को कॉल किया और मैंने कहा, वैसे मुझे बताना नहीं था साथ वो डिलीवरी के टाइम, साथ नहीं था साथ वो। मैंने उस बंदे को, मुझे नॉर्मल पेंस थे और उन पेंस में मैंने उस बंदे को कॉल किए, वरना मैंने करनी नहीं थी ना, मैंने बताना था। मैंने कॉल करके बताया था उस टाइम के मैं जो है वो हॉस्पिटल में हूँ, अगर तुमने मिलने आना हो बेबी से तो तुम आ जाओ। तो सिर्फ उसी टाइम का मैं इंतज़ार कर रही थी और मैंने उस टाइम तक कोई भी स्टेप ऐसा नहीं उठाया। ओके। Okay. मैं वेट कर रही थी बेबी के मतलब डिलीवरी का। तो उस टाइम मैंने कॉल किए और वो बस मेरी लास्ट वो थी, मैंने कहा है कि तुमने अगर आना है तो तुम आ जाओ। और मैं देखना चाहती थी आता या नहीं आता, बट वो खैर उस टाइम नहीं था। वो कहाँ था? वो यहीं पे ही था बट वो आया नहीं था। और पूरा मेरा ख़ानदान हॉस्पिटल में था, मेरे पूरे घर वाले, मेरे ब्रदर इन लॉ, हर कोई, सब ने, मेरे ही घर वाले थे, उनके घर में से कोई एक बंदा भी नहीं था। हाँ। ओके। Okay. तो ये चीज़ मुझे जो है ना, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बेबी देखने ही नहीं आया? नहीं आया वो। फिर कब उसने बेबी देखा? फिर जब मेरी उस टाइम मुझे इस बंदे की बहुत नीड थी और लाइक मैंने उसको कॉल करके कहा कि तुमने अगर आना है तो तुम आ जाओ, मैं सब भूल जाऊंगी, अगर तुम इस टाइम आ गए ना तो फिर चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहने को भी एक्सेप्ट कर लूँगी हर चीज़। बट जो है वो उस टाइम नहीं आया। और लाइक जब मैं घर पर आ गई थी तो 2 दिन बाद मुझे कॉल करके कह रहा है कि मैं आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं अब नहीं। जब मैं घर पर आ गई थी मैंने कहा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम जब नहीं आए तो फिर अब कॉल कर क्यों फजूल की फॉर्मेलिटीज़ और वो कि मैं आ जाऊँ या ये वो, मैं पता नहीं मतलब फजूल के एक्सक्यूज़ेस थे। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मतीरा, आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. Captain! किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।